ऐसे बुता रही है। इन्हें डालो इधर, तू मुझे डाल ही नहीं देखा, इन्हें आ लो देख बड़बन। अरे हम गाड़ी हो जा परी है, जल्दी बुता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल लेन ब्लॉग्स में आप सभी को वेलकम करता हूँ। आई होप कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे और चाप के लहरिया लूट रहे होंगे दोस्तों अभी गर्मी में। आपको पता है कि थोड़ा वीडियो में बनल रहा भैया रास्ता, क्योंकि आज थोड़ा गर्मियाँ कम हो। ये भाषा बोल रहा बा हम मगही में, हम मगध क्षेत्र में बोला जाता है ये वाला भाषा भैया, सबसे ज़्यादा बोलल जाए मगध क्षेत्र में। तो मगध कहाँ पर ही बोलल जाए, कौन कौन जिला आवे मगध में, तो आज आपको भैया औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और अरवल, ये चार जिला है ना जो गया से छाट के बन लो है, ठीक ना। तो वह से यहाँ सबसे ज़्यादा मगध में मतलब ये वाला भाषा का यूज करल जाओ, जरा बोला है मगही भाषा। मगहिया भाषा थोड़ा बड़ी तेजी से चल रहा है, तो सही थोड़ा सा हमहूँ तो हनी के बना करके ऐसे बोल दी भैया लोग सपोर्ट करथिन, तो वो एक पे वीडियो बनेबे भैया लोग कमेंटवा जरूर करिया जाता है। इसको बोलते हैं मगही भाषा। तो कुछ मगही भाषा का मैं यूज कर लेता हूँ क्योंकि बोलता हूँ, क्योंकि जन्म हुआ है तो मगही भाषा से ही हुआ है, लेकिन पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा लगता है कि शुद्ध हिंदी बोले, ठीक है। लेकिन कितना हूँ आप बोलता है, नेचर और सिग्नेचर इंसान को कभी नहीं बदलता है, तो अभी मैं थोड़ी सी मगही भाषा में बोल। अभी देखा भैया कुछ कुछ, यही लो है हमारा खाना बहन लेकर आई है, ये देखा आम है, और देखियो ये देखा दही हो और को आलू और पटर का सब्जी हका देख ला, और हको चावल और दाल। अब भैया जानी खाइयो हो गलो समय, आज भोरिए नहा ले लियल सवेरिए में, एक रात हम थोड़ा लेट सुतलियल, वीडियो एडिटिंग करे में लगल रह गली ने, तो हो ना पहले, तो वह चलते अभी है से सुबह 7 बजे उठलियो, और बाद फिर नहा ले लियो सुबह सुबह, क्योंकि गर्मियाँ अब थोड़ा कमलो है, तो रूम में सुतलियल बाहर ना सुतलियल, खटिवा भी अंदरे हो देखा, खटिवा भी है जीप हको और बाहर ना गलियल, तो बड़ा बढ़िया लग रहा। हाँ भैया थोड़ा गर्मियाँ राहत मिल लो ना, तो बड़ा बढ़िया लग रहा पनिया पर ली ना, जो मियाज एकदम गदगद हो गई एकदम कोची कही, बड़ा बढ़िया लग रहा एकदम नींद पर लो भैया, एकदम लग लो ना कि एकदम सुतलियो एकदम भोर उठलियो नींद ये ना खुल लो, इतना जोर बह के लग लो ना कि कोची कर हो गए। एक बार एक भोरे उठली तुरंत ही हम उठ के लिए, आज का एक लग ले कि इसे नहीं लगा को सोता होता लगा को तुरंत उठ, मतलब कि तुरंत हमें कुछ बोला हो रहा, ऐसे लग लो कि सपना देख रही है कि हम कहीं और ही, लेकिन लग ले कि अरे तुरंत बिहान हो गई पापा, तो तुरंत अभी उठा लियो तुम, उठा उठ पुट के तुम नहेलियो, खाना पीना भी तुम खा रही तुम्हारे सामने, तो बस बना रहा भैया वीडियोवा में। अब वीडियोवा का तुम लाइक ना करा भैया, जरूर लाइक करा कमेंट करा, क्योंकि लाइक कमेंट करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है, एक भैया लोग पसंद करा थी हमारा तब ना। अब वीडियोवा का देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, बना रहा कंटिन्यू वीडियो में, आगे दिखाते हैं दिनचर्या क्या क्या होता है। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सूत के लिए आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, और ऊपर में थोड़ा सा ठंडा भी आज लग रहा है, थोड़ा गर्मी कम लग रहा है, एक चलते ना थोड़ा सूत के लिए, तो बच गए टाइमिंगवा हो गलो 4:30 हो गलो, तो उन्हें भोलू आ गया भगना मेरा, तो उन्हें खाना लेकर के आ रहा है, क्या लाए भोलू लेके आओ, कोची कोची लेना, तू तो बड़ा बहादुरी आजकल दिखा रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, बड़ा बढ़िया मेरा भगना है देख सकते हैं, वाह आलू आलू हाँ, दही वाह भोलू, जाओ बोतलिया जल्दी लेकर के आओ जा, तो ये देख सकते हैं लेकर के अभी आई लो भैया, अभी लंच करियो 4 बजे लंच करियो, ओकर बाद फिर बतावियो। तो ये हाल लेलको है पानी, ठंडा पानी है हैं, वाह ठंडा पानी, तो बड़ा मेहनती लेकर आई, दम बहुत तेज है, थोड़ा उर्दी फार्स ज़्यादा बोलता है थोड़ा सा सभी को ना इसके एरिया में ज़्यादा, मतलब सभी को एकार बोलता है, मगही तो मगही मगध क्षेत्र में भी आता है, लेकिन बड़ा ये मगही बोलता है, पूरा दम पूरा दम ठेठे बोलता है, समझ गया ना। इधर में देख सकते हैं सब खाते हैं, बज गए दू भाई, 2 बज गए 4 बज गए 4:30 बज गए था ना, हाँ तो थोड़ा सा खाई भैया, देखा अलो दही रोटी सब्जी और अलो है
सत्तू के भरका अलो तो अभी गर्दा के दम मारियो चपचप लपलप से। हम कहते अलियो कि आ भाई तो इसे हम लेकर क्या बोले के, लेकिन अभी जाके लेके अलो। चलो कोई दिक्कत नहीं, खाते हैं। खानमा खा के भैया तू दम टंच हो गई, मियाज दम बड़ी अकबक जैसे न लग रहा बोल, पूरा एकदम लग रहा है कि बड़ी भूखाल हलियो और दो तीन घंटा सूत गेलियो जदम मियाज दिल हो गए। सब देखो खिड़की उड़की सब है जो लगले, उन्हें खाली गेटवा खुलल हो और उनसे पूरा हवा दम मार रहा सपा साप सपा साप सपा साप सपा साप। अब देखा ही जैसे खोल के बाहर है की हाल हो। गर्मिया इतना लगा हो भैया कि जरा सा नम, अरे हाय रे हाय, अरे वो तो आग लगल है, पूरा आग लगल है। जैसे ही खोले तो देख रहे हैं कि भैया आग लगल है। चलते हैं नीचे में, बाप रे बाप, ये तो दम सब आग है पगला के धर दिया है। ये कौन लगा दिया घरों में आग? एकदम जोर जोर से लहा के ले भैया जाते हैं जल्दी से, उसको मम्मी के पापा को बोलते हैं बुझाएगी जल्दी से। अरे बाप ऐसे बुझा रही है, इन्हें डालो इधर, तू डाल ही नहीं देखा, इन्हें आ लो देख बड़बन। अरे अब गड़ी हो जा परी है, जल्दी बुता है उधर में देखियो, उतने धर ले छिट पड़ी सकरो मर छिट मर जल्दी से। इतना दम देख सकते हैं एकदम लग गया, एकदम पूरा एकदम पूरा एकदम चौ बगल है से एकदम। बाप रे बाप, अरे बाप रे एकदम पूरा है सदम धर लिया। जरा सा वहाँ पे खाली आग लगा और उसके बाद ये सगरो धर लिया। छिटे जपरी कस के, हाँ बस तो हो गया। देखी आ गया उड़ के, वो बुता दे वो बम अभी देख सकते हैं सगरों है जब बुता दिया हूँ, ठीक है धीरे धीरे है जो लग गया पूरा वहाँ पे लगल था, वहाँ से पूरा सारा खेत में दोस्त है जो आग लग गया, ठीक है। जरा सा गर्मी में एकदम पूरा एकदम बढ़ जाता है, तो अभी देख सकते हो सारा है जो बुता दिए, इतना पूरा खेत एकदम जल गया पूरा खेत एकदम। के लगाया था तुम ही लोग मह कौन? पापा है जो वहाँ पे लगाए थे, वो धरते धरते आज इधर धर लिया। हवा इतना तेज है, गर्मी इतना तेज है, धरती तबल है। डाल दो हाँ डबर, जहाँ आगे जल रहा है ना वहाँ पे डालो, हाँ जाकर डालो, हाँ डालो सगरो। यदि इसको नहीं बुताते तो सगरो धरते धरते चल जाता किधर ही। कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को इन तक बने रहने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देता हूँ दोस्तों। और आज हुआ क्या, मम्मी पापा है सो आग लगाए थे, मतलब तो परसों ही आग लगा था, ठीक है। और आग है जो धीरे धीरे फैलते 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 उधर भी चला गया और ये पूरा खेत के अंदर में बहुत सारे मतलब कूड़ा कचरा है सो भरा हुआ था। यही भाग मनाइए कि मतलब बाइक था, मतलब मेरा बाइक भी लगा हुआ था और पापा का बाइक भी लगा हुआ था, एक और बाइक है जो सबसे पुराना बाइक है उसका नाम आम्हा लिब्रो था, वो भी बाइक है सो यहीं पर लगा हुआ था। और क्या बताऊँ हुआ क्या कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कचरा है, ठीक है। ये कचरा तो यदि आ जाता ना 5 मिनट यदि और हम नहीं देखते इस रूम से, ठीक है, जो छत दिख रहा है यहाँ से बैठ के देखे और देखे तो जैसे आप लोग वीडियो में देख चुके, तो 5 मिनट मतलब मम्मी है जो मतलब को जो उधर में देख सकते हैं हरा हरा भरा है जो मूँग लगा हुआ है इधर साइड में भी वो खेत में और उधर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मम्मी है जो किसी का मतलब जानवर हेर गया तो उसको घुराने के लिए गई और घुराने के बाद बोली कि 5 मिनट हम घर पे आए, इतना जोर से मतलब कि आग लग गया कि तो 5 मिनट पूरा खेत देख सकते कितना तेज़ रफ्तार बढ़ रहा था।
तो दौड़े दौड़े जैसा कि हम लोग आए नीचे में, फिर पानी है जो डालना शुरू किया, जब नहीं बुताते तो उधर में है सो देख सकते हैं कि झोपड़ी है, ठीक है हमारे बगल कहीं है, गांव कहीं है, तो उनको पूरा झोपड़ी पहले नंबर तो जल जाता दोस्त, ठीक है तो जल्द से जल्द जलाए। फिर उसके बाद एक पेड़ है खजूर का, वहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारा मतलब कि जो धान गेहूँ है सो मतलब कि मंजाया है सो वो भी पड़ा हुआ था, तो नहीं बुताते तो देख सकते वो आरी पर भी सट चुका, जैसे ही वो आरी पार करता तो पेड़ धर लेता, वो खजूर धर लेता, फिर उसके बाद वो भी धर लेता। तो क्या आपको पता है कि मतलब पेड़ खजूर से ऑक्सीजन मिलते हैं, पेड़ और खजूर से दोस्त ऑक्सीजन मिलता है। और मैं हमेशा पेड़ लगाता हूँ, मैं किसी को जहाँ एक कहना है कि जब किसी को आप जन्म नहीं दे सकते हैं तो मारने का भी अधिकार आपके पास नहीं है, ठीक है। तो मेरा सबसे बहुत प्रिय है हर एक चीज़, चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो, इधर में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो सारा चीज़ को मैं अभी कंप्लीट कर दिया हूँ, उसके बाद है जो सब आप सब कंप्लीट। और जलने के बाद एक चीज़ और होता है कि देखते हैं किसान लोग क्या करता है कि अपने जब गेहूं लगाता है या फिर कुछ और लगाता है तो ज़मीन को पूरा जला देता है। तो जलने से देखिए क्या होता है, नमी ख़त्म हो जाता है। जैसे आप एक इंसान जल जाता है तो उसका हड्डी हो गया, मतलब कि एक होता है उसका क्या बोलते हैं उसको, नस नारी सब मतलब ख़त्म हो जाता है, तो उसको उगने में समय लगता है, मतलब काफ़ी समय बाद या होता है या फिर नहीं भी होता है। तो उसी तरीके से देख सकते हैं मतलब कि नमी थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है। तो कभी भी मतलब कि खेतों में आग भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप नाम सुने होंगे कि नील का खेती जब अंग्रेज भारत के अंदर में आया था तो नील की खेती करवाया था, तो नील की खेती करवाता था तो मतलब कि आधा ज़मीन है जो बंजर हो जा रहा था। लेकिन सेम चीज़ उसी आज के वक्त मतलब कि लोग किसान लोग भाई लोग हैं जो मतलब खेत को है जो गेहूँ उपजाता है तो पूरा का पूरा मतलब मशीन से करता है, तो पूरा आधा पर से काटता है ना, बाकी सब बचा हुआ रह जाता है। तो इसके चलते है जो कभी भी ज़मीन से मतलब कि आप खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ज़मीन आपका मिट्टी है जो जल जाएगा तो आपको बहुत कुछ है जो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है सो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग सोचा यहीं तक एंड करता, बहुत कुछ जानकारी आपको ब्लॉग के माध्यम से मैं देते रहता हूँ। तो चैनल पर पहली बार जनों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देखकर पेज को फॉलो करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय बाय दोस्तों।